तो माँ कसम देखो तो पाकिस्तान का नक्शा बन गया है। नक्शा बना दिया पाकिस्तान का। तो पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मुकेश, तो स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग सुबह से। तो आज की एक्टिविटी क्या क्या होने वाली है और क्या क्या चीज़ करने वाले हैं आप सबको दिखाएंगे। और तब तक ऐसे बने रहो। मैंने भर लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे, सब बोतल खाली हो चुकी है। आप पोछा मार रहे हैं यहाँ पे। मेरा चाय बनाने का, तो पहले चाय वाय बनाते हैं। इसको थोड़ा पानी डालेंगे आप चाय बनाने के लिए। चाय के लिए डाय आज मैं रस, दूध और थोड़ा सा चाय पत्ती डालेंगे इसमें। बस डाल दी, चाय वाय बन चुकी है। आप कर देते हैं इसको बंद। चाय डाल दिया सबके लिए और रस भी है साथ में। तो खाते भी ले जा रहा हूँ चाय, अब पीते हैं इसको। काम मुझे करना है किचन का, आज कुक मैं हूँ। तो फिर और चीज भी करनी है, बहुत चीज लाना है मेरे को। तो मित्र भाई की काम है सफाई फाई करने का, बाकी आगे की एक्टिविटी क्या होती है दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आप आलू आलू धो लेता हूँ, आलू को अच्छे से, और उसको रख देता हूँ सॉसपैन में। अब देख लो आप, ये बढ़िया से एकदम आलू साफ हो गए हैं। अब उसको चढ़ा देते हैं सीधे गैस में। ये तो वो देख, मैं जाता हूँ किचन के अंदर और आटा आटा गूंथता हूँ। फिर उसके बाद नितिन भाई बनाएंगे आलू के परौठे। तो फिर देखते हैं भी आज की एक्टिविटी और क्या क्या होती है। हमारा आर का लिटिल जैम। हेलो हेलो, तू बोल कहाँ का है, तू कहाँ का है बता दे, कहाँ का है? गढ़वाल का? फिर कहाँ का है? दिल्ली का है? आराम से करना, ठीक है। तो देखते हैं, आलू मानी डाले थे मैंने, हो चुके हैं गर्म। ये हमारे आलू भी हो चुके हैं गर्म, टेस्ट करते हैं। आलू भी पक चुके हैं मस्त तरीके से। तो दोस्तों फिलहाल आप आटा आटा गूंथ देते, पहले आटा गूंथते हैं, छान लेता हूँ आटा। दो ग्लास बहुत है तो ढाई ग्लास डाल लेते हैं। अब गैस कर देता हूँ बंद। ये आटा जब गूंथो तो हमेशा छान छान के छानना इसको, नहीं तो इसको पत्थर तर भी होते हैं, क्या बोलते हैं इसको पहाड़ी में, कुर। इसको रखते हैं नीचे। और आप आ चुकी है आटा गूंदने की बारी, तो आटा घटा गूंद लेता हूँ मैं फटाफट। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो आटा गूंथ के एकदम रेडी कर दिया है मैंने मस्त तरीके से। देखो ये आएगी अपडेट क्या होती है, अब देखते हैं। अब इसके बाद मैं करता हूँ फटाफट आलू छिल लेता हूँ, फिर उसके बाद सारा खाना ना नितिन भाई बनाएंगे। तो आलू भी हो चुके हैं हमारे रेडी, तो उसको छिल देता हूँ मैं अब फटाफट। तो दोस्तों आलू धो लेते हैं आप। ये आलू छिलने की बारी आ चुकी है, फिर उसके बाद नितिन भाई करेंगे और काम। Yeah. देखो ना, परदेश में रहना है तो ये सब काम करना पड़ेगा आपको। अपना काम कर लिया है, आलू भी छिल चुके हैं, आटा भी गूंथ चुका है हमारा। तो आज मैंने अपना पूरा सेटअप लगा दिया है, कैमरे का स्टैंड, माइक, आज सब इससे शूट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो सामने। आईफोन में वीडियो बनाने का मजा अलग ही है यार, क्वालिटी देखो ना मस्त तरीके से आएगी। अगर अगर आप ब्लॉगर हो तो यूज़ कर सकते हो आईफोन 14, मेरी तरह गरीब लोग की तरह। आप लोगों को पता ही होगा नितिन भाई और मैं छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कभी खाने में रहते हैं वही कुछ करते हैं। तो नितिन भाई ने बोला था आज आलू के पराठे बनाएंगे, तो इसलिए आज नितिन भाई आलू के पराठे बनाने के एकदम रेडी हैं। और नितिन भाई लोग, आप नितिन भाई को जानते होंगे, दो तीन भाई आ चुके हैं यहाँ पे। नितिन भाई सबको हेलो बोल दो एक बार। हेलो, बहुत दिनों बाद दिख रहे होंगे। ये नितिन भाई अपने हाथों से बनाएंगे। नितिन भाई है हमारे सेफ, सेफ आदमी है, सब काम आता है इनको, ऑलराउंडर है। तुम्हारे लेते हो काम कुछ नहीं है, फिर चुटकी में है तुम्हारे काम। ये
इसके बाद नितिन भाई इसमें डालेंगे मसाले। नितिन भाई ना आप थोड़ा रेसिपी बता देना हमको यार, क्या क्या डालते हो आप? जो रेसिपी देखो ये, नितिन भाई ये 1 चम्मच डाल दी नमक, बस और डाल दो। नमक के लिए क्या है? धनिया, ये थोड़ा हल्दी डाल देंगे और डालोगे? बस ओके इसको मिला देंगे। मिला दो इसको, लसपस कर दो इसको एकदम। ये तो बनाने थे, क्या कमी है इसमें? हमें भी चखाओ था, हल्दी ज़्यादा हो गया और डालो, हल्दी ज़्यादा हो गया है मान। नहीं बढ़िया है, मस्त और का भाई, सही बात भी हुई है, टेस्ट तो होगा हाथ में। थोड़ा सा नितिन भाई ने तेल भी लिया है बाकी पराठा पराठे में डालने के लिए। ये रेसिपी नितिन भाई की रेडी है। तो नितिन भाई का फर्स्ट पराठा बनने को जा रहा है। आर यू रेडी? यस यस। अब देखते हैं फर्स्ट पराठा कैसे बनता है। शाबाश शाबाश। तो बेटा आता ना बनाना? फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बना रहा है? ओहो नितिन भाई बोला फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो देखते हैं फिर। अरे यार बन जाएगा, बना थोड़ा समा पलथन लगा। ये ये मैंने स्टार्ट कर दिया बिनना। आ जाओ रे, जो पराठा खाना है डाल दे। यो बड़ो बड़ो रेडी। कैसा बना? बढ़िया बनाया है दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसा बनाया। ओह माय गॉड, एक्सलेंट एक्सलेंट। उम्मीद नहीं थी ऐसा पराठा बन जाएगा। नितिन भाई का पहला पराठा बन के एकदम रेडी हो चुका है। पर तेल लगा ना, घी लगाए ना? घी जी तो भाई खत्म हो गया यार। डाल डाल डाल, बस बहुत है तेरा। भाई सब्जी बना देंगे इसकी। लसपस। गैस कम बन गया। ये दोस्तों दोस्तों एकदम मस्त बना रहे तेरे मैंने पराठा। किसी को खाना है तो आ जाओ भाई। आप पराठा वराठा बना रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और तो हम कुछ और काम कर लेते हैं और कुछ इसके लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं खाने के लिए, कुछ लाते हैं स्पेशल चीज़ दिखाएंगे आपको। ये मौसम की बात करें देखो, आज दिल्ली में इतना जाम है वो वहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप लोग दर्शन कर लो महादेव के, हर हर महादेव। और कर लेते हैं सब्जी पैक। तो दोस्तों मैंने कर ली सब्जी पैक और पराठे के साथ खाने के लिए है कि शॉप से। आज दिल्ली में जाम बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो यहाँ पे। ये स्कूल की छुट्टी भी बढ़ चुकी है, जाम ही जाम। वो देखो दोस्तों फ्लैट मास्टर से बोल रहा है। और नितिन भाई के लिए ले ली मैंने दही और सब्जी, सीधे रूम को और फिर खाते हैं खाना। नितिन भाई के पराठे कितने बनाए और कैसे बने दिखाता हूँ। हाँ गजब पराठे तो बहुत बनाते नितिन भाई ने। हाँ बाप रे, तो नितिन भाई के लिए दही भी ला गया हूँ दही के साथ, और थोड़ा सब्जी भी पैक करवा ली है शॉर्टकट में, फिर खाते हैं इसको। दिन हम लोग ऐसे ही कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। आज आलू के पराठे बना दिए हैं और सब्जी भी सब पैक करवा ली। कर अरे नहीं कर पाया तू, ठीक है? हेलो बोल दे सबको। तो अब हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, नहा भी लिया, अब खाते हैं खाना। अरे भाई साहब नहा धो के एकदम लेते हैं। भाई साहब खाना खाएं, इतनी आंसू की भी जरूरी नहीं है। चलो तो भाई परोसेंगे खाने को। नितिन भाई अभी फेवरेट है, फेवरेट सब्जी लेके आ गया मैं। क्या है? क्या है? देखो चने आलू, वही तो है जिसको हम पराठे के साथ खाते हैं। ये छोले, अरे आलू तुम घर पर डाल दो, ये सामने छोले भी ले ले भाई। ये दही, थोड़ा दही नितिन भाई, थोड़ा मैं,
भाई आज तो हमारी डिश देखो यार, साथ में क्या है पता है ये आज जैसा ही बनाए हुए खाते हैं क्यों? छुट्टी के दिन तो भाई ऐसे ही खाना चाहिए। दिन भाई ने हमारे 56 भोग बना रखे ये चलो खाते हैं। तो दोस्तों खाना ना खा लेते दोनों भाई मिलके साथ में, इतना खाना बना कर इतना मस्त तरीके से खाते हैं फिर, और फिर आई वो आएगी अपडेट क्या होती है आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो हम दोनों भाई ने खाना ना खा लिया है मस्त तरीके से, और एकदम मस्त पराठे बने थे, और आप थोड़े करते हैं आराम नितिन भाई, आप तो रेस्ट की ज़रूरत भी है, और बाकी शाम की क्या अपडेट होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप कुछ, तब तक के लिए फिर ब्रेक ले लेते हैं हल्का फुल्का। तो शाम के बज चुके हैं 4:30, और हम लोग उठ चुके हैं, नींद पूरी हो गई है, और नितिन भाई ला चुके मेरे लिए फैंटा। भाई बहुत ध्यान रखना मेरा। भाई क्या करो तुम, कपड़े धो कर रहे हो क्या? नितिन भाई ने कपड़े भी धो दिए अपने, देखो। हाँ तुमने कपड़े नहीं धोया भाई, नितिन भाई का लॉकअप है। नितिन भाई कपड़े चोरी हो सकते तुम्हारे, करोड़ों के कपड़े तुम्हारे पहले पता मैं रखता था कपड़ा यहाँ, ये जहाँ देख रहे हो वहाँ पहला मेरा डोर था, मैंने नितिन भाई को दे दिया अपना डोर। नितिन भाई के लिए यहाँ पर शीशा लगवाएंगे अब, ताकि इनके कपड़े अपने चोरी ना हो। चाय पी दें नितिन भाई के, मजा आ गया नितिन भाई, आप लोग भी पियोगे? पिलाएंगे एक दिन आपको भी नितिन भाई की चाय। दोस्तों शाम हो चुकी है, और अब मैं जा रहा हूँ कूड़ा फेंकने तारक, और कूड़ा वूड़ा फेंक के आते हैं, और थोड़ा हल्की फुल्की वॉक भी करके कर लेते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा शाम को टाइम घूमना भी जरूरी है। चलते हैं अभी पार्क को, देखते हैं क्या है वहाँ। ये देखो दोस्तों एक बार शाम का मौसम दिल्ली का, सनराइज़ भी हो चुका है, देखो चलता हूँ सीधे पार्क की तरफ। फ़ोन चलाना भी ऐसे रोड में आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना फ़ोन हम भी बहुत बार छीन लेते हैं लोग बार, तो इस बार रिस्क लेके मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो दोस्तों सब्जी की लाइन ही लाइन लगी है, थोड़ी देर बाद हमने सब्जी लेनी है यहाँ पे। ये कितने मस्त पेंटिंग करके देखो, कूड़ेदान भी एकदम सजा सजा के रेडी कर रखा है। ये बाय बाय कूड़ा ये दोस्तों अब पार्क से बाहर निकल गया हूँ, और आप लेते हैं सब्जी, और दिखाते हैं दिल्ली की दुकान है आपको सब्जियों की। तो दोस्तों रात हो चुकी है, और सब्जी की दुकान लगना स्टार्ट हो चुकी है, देखो ये मस्त मस्त ले लेता हूँ लौकी, ये सब्जी की दुकान आ लौकी खाते हैं मस्त वाली भिंडी पैक सब्जी भैया ने। दोस्तों सब्जी की दुकान दिल्ली में, सीधे रूम की तरफ, और भी बनाना है सब्जी भी, थोड़ा सा रिस्क भी यहाँ ब्लॉग बनाना भी, नहीं तो फोन वन चोरी सकता है। जल्दी उठ, ये 7 बजने वाला है, देर तक सोया है, उठ से कहीं घूमने नहीं आते मेरे साथ। शाम हो चुकी है, और अब मैं जलाने वाला हूँ दिया, पूजा पाठ भी कर लेते हैं, अच्छा भी हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी। और दिखाता हूँ आपको मंदिर, आपका हमारा मंदिर दोस्तों देख सकते हो, ये सुनील भाई ने सजा के एकदम मस्त कर रखा है। आप पूजा पाठ करते हैं फिर। Yeah.
तो दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आज की दिनचर्या हमारी ऐसी थी, आप देख लिया होगा आपने। तो फिर अपना थोड़ा प्यार मोहब्बत हमें बांट देना और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम।